हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये एक शॉर्ट रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन के दिल में क्या है और दिमाग में क्या है। सो ये दिल की एनर्जी है, ये दिमाग की एनर्जी है, ये दिमाग की है, ये दिल की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। आफ्टर थ्री शफल विल टेक द कार्ड्स, 1, 2, 3, 4। बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Cups। वन टू थ्री फोर, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये बॉटम की एनर्जी है, ये आपको दिख रही होगी होपफुली। We have two of swords, queen of pentacles, king of wands and two of wands. Okay. तो guys, हमारे पास cards आ गए हैं, तो शुरू करते हैं reading. So guys, यहाँ पे दिल की energy में बड़ा दर्द है, दिल की energy में बड़ी harsh energy है और दिमाग की energy में भी कुछ चीज़ें resonate कर रही हैं। ओवर एंड ऑल जो एनर्जी है वो दोनों ही तरफ ये है कि आपके पर्सन यूनाइट होना चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है कि दो अलग डेक से मैंने कार्ड लिए हैं और सेम कार्ड्स आए हैं। यहाँ से जो दिल की एनर्जी है उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं और दिमाग की एनर्जी में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं। यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है और यहाँ पे दिमाग की एनर्जी में भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग तो ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी चीज़ें दिल और दिमाग दोनों से सोच रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल से सोच रहे हैं या सिर्फ दिमाग से सोच रहे हैं, नहीं, दोनों से सोच रहे हैं, दोनों की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ से वी हैव गॉट किंग ऑफ वांड्स, पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं आपके बारे में, और यहाँ से वी हैव गॉट द लवर्स। तो एनर्जी वाइज अगर हम देखते हैं तो यहाँ से वेटिंग है और यहाँ से वी हैव गॉट इमोशनली लॉस्ट एनर्जी। मतलब कि दिल में इंतज़ार है, दिल में कंफ्यूजन भी है कि क्या चीज़ें ठीक होंगी, दिल में आपके लिए मिलने की चाहत भी है, दिल में ये भी है कि ये आपको प्रोटेक्ट करें, दिल में ये भी है कि ये आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि क्लैरिटी तो देनी चाहिए, चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। हो सकता है वो मेरा वेट कर रही हो या मेरा वेट कर रहा हो, इवन वो भी दिल से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द क्लैरिटी दे पाएँ। और दिमाग में भी ये चीज़ें हैं, दिमाग भी काम पे लगा तो है, अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन इनके सबकॉन्शियस माइंड में 24/7 आप हो, आपके साथ कैसे कंप्लीशन होगी, कैसे यूनियन में आएंगे, शादी कैसे होगी, रीयूनियन कैसे होगा, कंप्लीशन कैसे होगा, प्लानिंग ही कर रहे हैं। और ये चीज़ें इन्हें बहुत अफेक्ट भी कर रही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी एनर्जी को काफ़ी अफेक्ट भी हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि अदर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके बारे में भी सोचकर बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हो रहे हैं कि क्या चीज़ें ठीक होंगी, क्या सब कुछ बैलेंस होगा, क्या आपके साथ यूनियन हो पाएगा। तो दोनों ही डेक से देखिए जो कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन दिल से भी और दिमाग से भी सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। अब मैं ये देखूंगी कि अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्या ये कोई एक्शन लेंगे, और अगर एक्शन लेंगे तो वो क्या एक्शन होगा, प्लीज़ गाइड करें। दिल और दिमाग की एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या एक्शन होगा। एक कार्ड मैं लूँगी दिल के लिए, एक कार्ड मैं लूँगी दिमाग के लिए, ये किसकी एनर्जी को फॉलो करेंगे। दिल से क्या एक्शन लेंगे एंजल्स, आपके पर्सन दिल से क्या एक्शन लेंगे। ओके, दिल से हमारे पास दो कार्ड आए हैं, वाओ, दिल से तो आ गई मदर यूनिवर्स की एनर्जी, और दिमाग से क्या एक्शन लेंगे, दिमाग से भी हमारे पास ज़्यादा ही कार्ड्स हैं, 6 of Cups, 7 of Wands, वाओ। दोनों से ही देखिए आपके लिए ही एक्शन होगा। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि दिल और दिमाग दोनों ही जीत रहे हैं। दिल कह रहा है, दिल को मदर गाया की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर,
दिल की जो एनर्जी है वो ये है कि जो डिवाइन चाहेंगे वही होगा, जो भगवान को मंजूर होगा वो हो जाए बस, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी ईष्ट है इनके, जिन पर भी इनको बिलीव है, इन्होंने उनके आगे सरेंडर कर दिया है कि भैया अब आप देख लो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। और इनके दिमाग में भी है कि मुझे स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, अगर मुझे आपसे प्यार है और मुझे आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है तो मुझे स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, पड़ोसी आगे तो स्टैंड लेगा नहीं, हिम्मत तो मुझे ही करनी होगी। तो ये जो एनर्जी है ये दोनों तरफ है गाइस, दिल और दिमाग दोनों से ये आपका साथ देंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, होपफुली ये सबसे रेजोनेट करे। सो रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।